नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ नमस्कार सदीप। हाँ बड़े भाई प्रणाम, और क्या हाल चाल? बढ़िया है। ये कह रहा हूँ कि थोड़ा हवा चल रही है क्या या फैन वैन चल रहा? नहीं नहीं हवा चल रहा है, रूम में बैठ रहे हैं फिर बात करते हैं। फैन बंद कर, बालकनी में थे तो जो है पूरा स्कूल की हवा जो है आ रही है। अच्छा, अपने यहाँ बारिश हो रही है ना, बूंदा बांदी हल्का हल्का बनी है। महुए में है, बदला तो है आपके। और बताइए क्या हाल चाल? बढ़िया है। ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए सेशन तो खत्म हो गया। हाँ। और शायद एक ही बिल आया और भी पास हुआ, महिला आरक्षण वाला। हाँ, जबकि न्यूज में था कि 4 बिल आने हैं, फिर बाद में आया कि नहीं 10 हैं। जी 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 तो इस तरह के न्यूज आए, लेकिन जो है हाँ, एक ही पास हो पाया। तो अभी जो पेंडिंग है तो वो तो बिल आएंगे ही, अब जब अगली बार सत्र बैठेगा। जी जी तो सर, मतलब वो सत्र जो है वो शीतकाल में बैठेगा कि कब कैसे क्या बैठता, कि किसी टाइम बुला सकते हैं वो? अब शीतकाल में या तो जा सकता है, या हो सकता है फिर से स्पेशल सत्र बीच में बुला लें। वो तो कभी भी बुला सकते हैं स्पेशल सत्र। हाँ, मान स्पेशल पावर उनके पास आई है, लेकिन इसमें जो उम्मीद की जा रही थी कि लमसम 2-3 जो है, 4 बिल पे तो मतलब एकदम कंफर्म था कि 4 तो कंफर्म होने होने के हैं। चूंकि 5 दिन के लिए रखा गया रहा, तो छठवें दिन से भाई जो है सबका अपना अपना प्रोग्राम भी रहा होगा। अभी देखिए मोदी जो है वो अटल आवासीय वगैरह का उद्घाटन वगैरह होना है, हो रहा है, और कहाँ कहाँ तो जा रहे हैं, जी 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 सही कह काम रहे फिक्स रहे होंगे। जी 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 चूंकि भाई सारे सांसद लोग वहीं थे ना। जी हाँ, सब कुछ वहीं सब थे। तो जिसके लिए बुलाया गया था संसद, जी जी एक जी बिल पास हुआ, बाकी बाकी है। और उसके बाद सबका अपना अपना प्रोग्राम था, जी 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 तो संसद तो खत्म तो नहीं होता है। संसद अनिश्चितकाल के लिए जो है स्थगित होता है, ताकि फिर जो है फिर शुरू हो जाए। संसद अभी खत्म होना ही नहीं है, वो तो होना ही है फिर। जी 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 वो तो ये तो उम्मीद की जा सकती है। अब जो संभावना हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जब संसद बैठा है तो इसमें बिल आ जाए, जब संसद हाँ नहीं है तो फिर वापस आ जाएंगे अध्यादेश पर। दो ही रास्ते हैं जी 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 भाई, संसद जब है तो बिल, संसद जब नहीं है तो अध्यादेश, जब संसद रहेगा तब अध्यादेश की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ ये तो सही कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि एक शायद 5 सितंबर को का एनसीटी का कोई एक लेटर जो है वायरल हो रहा है, उसमें क्या सच्चाई है? हाँ, आज हम खोल करके देख रहे थे एनसीटी की साइट। जी जी वो पेपर में भी दिया था, आज न्यूज़पेपर में भी दिया था। हाँ तो वही है, देखिए प्रमुख सचिव को लोग लिखा जो गया था। है लोग पूरा देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। एनसीटी ने राज्यों को अपना एक लेटर जारी करके वही वाला पुराना मैटर, वही चीज है। 4 सितंबर को जो राज्यों को कहा गया था कि जो है ये जजमेंट है, इसके जो है बिहाफ आप लोग काम कीजिए, हाँ इसको मतलब आप देख लीजिए, वो भी करने के लिए कुछ नहीं कहा था। वही लेटर जो है कि कोर्ट ऑर्डर जो है ये वाला है इस तारीख में, उसका जो है उनको इन्फॉर्मेशन दे रही है राज्यों को। हाँ वो कह नहीं रही करना क्या है क्या नहीं करना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन कि 11 अगस्त का ही जजमेंट है आप लोग। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेशानुसार ये ऐसा है, अब उसको अपने स्तर से आप देखें। तो वो तो नेगेटिविटी फैलाने वाले 11 अगस्त से फैला रहे हैं, उनका छोड़िए। अभी आज वो आपको बताते हैं जो हमने देखा है आज। जी जी तो एनसीटी की साइट खोले थे आज हम भी, लगातार सोचे कि एक वीडियो इस पर दिखा करके बनाया जाए, टाइम नहीं मिला तो बना नहीं पाया। जी 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 तो एनसीटी की साइट आप अपने मोबाइल में भी खोलिएगा ना, तो ऊपर कुछ फोटो चल रहे होंगे, अच्छा अच्छा उनको अच्छा फोटो को बड़े ध्यान से देखिएगा। अच्छा अभी हम उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के वीडियो सोचे हैं बनाने को। जी तो जी 2-3 चीजें हमने नोटिस किया। एक तो जो 4 वर्षीय बीएड है, बीएससी बीएड, बीए बीएड और या बीकॉम बीएड जो भी, जी तो जी उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है एनसीटी की साइट पर, स्कूल कॉलेज वालों को जी जी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, मान्यता लेने के लिए। जी जी उसका लिंक हमको दिखा, उस पर पूरा अप्रूवल लेने के लिए वो सारी चीजें चल रही हैं। जी जी तो ये तो होना ही था, हो भी रहा है, ये तो कंफर्म है। वो तो माने कंफर्म तो नहीं, चिन्हित किया एनईपी में है, ये है चीज। तो 4 वर्षीय वाला वो वहां पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है। दूसरा भी कुछ कार्यक्रम हुए हैं 4 वर्षीय बेड को ही लेकर के, उसके फोटो डले हैं, उन सबको देखिएगा ध्यान से, पढ़िएगा क्या लिखा है उस जी फोटो जी पर। जी जी तो एनसीटी की साइट कंटिन्यू, अभी जो 30 अगस्त को मीटिंग हुई, जी उसके जी बाद 31 अगस्त को प्रोग्राम हुआ, उसका फोटो भी डला हुआ है। तो कंटिन्यू वो 4 वर्षीय बीएड पर आगे बढ़ रहे हैं, जी जी तो वो तो पक्का है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं और वही करेंगे। वो तो है। हाँ, अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि एक तो हो गया कि संसद में सिर्फ एक ही बिल पास हो पाया, समय निकल गया उसी में पूरा। तो अब जो है चर्चा का विषय ये हो गया कि
अब कब संभावना बन रही है, अब जी तो संभावना ये है कि उम्मीद है कि जो बिल अभी बाकी रह गए हैं तो बीच में जी संसद सत्र जरूर बुलाएंगे फिर से, सितंबर लास्ट अक्टूबर हाँ शीतकाल तक जो है ये सारे बिल अगर जरूरी होंगे तो पेंडिंग तो नहीं रखेंगे। तो नहीं पेंडिंग रखेंगे, इसलिए कि चूंकि अगर इसी पे जो है, चूंकि भाई इलेक्शन पीरियड को भी ध्यान में रखना है, तो तो मान कि उस चीज को देखते हुए, तो मेरा तो मानना है कि ये मान चलिए कि ये अक्टूबर नवंबर तक जो है, अक्टूबर तक राउंड फिगर कुछ ना कुछ जो है ऐसा है करके जो है, इसलिए कि मामले को जो है, इसलिए कि दो धड़ा जो है बना हुआ है किसी अब सम... यहाँ पर ये भी देखना है ना कि देखिए जी जब भी कोई खेल होता है, शतरंज कोई खेल रहा होता है, तो वो अपने दिमाग में हाँ एक प्लान रखता है, लेकिन उसको अपने प्लान को अपडेट करते रहना होता है, क्योंकि सामने वाला भी तो चाल चल रहा है, भी चलेगा, तो सही वो बात जैसे ही एक चाल चलेगा और हम जो उम्मीद कर रहे थे वैसा नहीं चला है, तो हमको भी अपनी जी। स्ट्रेटजी थोड़ी बदलनी पड़ेगी, नहीं तो हम बस एक चीज सोच करके वही स्ट्रेटजी सेम फॉलो, एक मिनट होल्ड हाँ करेंगे, गेट खोल कर आते हैं, सही एक बात मिनट बस होल्ड करिएगा, एक मिनट। 5 मिनट्स लेटर हाँ हेलो। जी, क्या कह रहे थे। ये कह रहे थे कि मान लीजिए चूंकि सब कुछ दो धड़े में जो है बटा हुआ है, हाँ, तो अब जो जी जो जी दूसरा धड़ा है, तो जी अभी हाल फिलहाल में कुछ राज्यों में भर्ती वर्ती चल रही है या पेंडिंग है, जैसे बिहार को ले लिया जाए, तो जो है अब वो कोई भी एक पक्ष वाला नहीं चाहेगा कि तो सामने वाला जो है वो कहीं से बाजी मारे आगे निकले। हाँ सही बात है तो आपने देखा कि जैसे ही जो है संसद बैठा और उधर केंद्रीय विद्यालय अपना नोटिस जारी किया, तो बिहार सरकार थोड़ा सा बैकफुट पर आई कि भैया हम अक्टूबर में देंगे रिजल्ट। हाँ तो अब जब वो बैक हुए हैं तो ये तो गवर्नमेंट चाहेगी कि उनका मैटर उलझ जाए किसी तरीके से, वो करने जी ना पाए, हाँ हाँ सही बात है तो थोड़ा सा हो सकता है स्ट्रेटजी में बदलाव, क्योंकि थोड़ा रुक करके ये काम किया जाए, वैसे भी थोड़ा टाइम तो लगना ही होता है इन सब चीजों में। भाई, वो तो माने टाइम लगना हो तो तय है लगने का है, तो खैर लेकिन ये मान के हम चल रहे हैं कि जो भी, चूंकि मान लीजिए ये मैटर थोड़ा सा उलझा है, ये 2023 मानिए दिसंबर, इसलिए कि जनवरी में, फिर जनवरी से मानते फिर चुनावी अरे मोड़ दिसंबर कहाँ जा रहे हैं प्रभु, ये भी ध्यान रखिए ना कि जी इनका भी जो जो सत्ता पक्ष है, इनका भी तो एक पक्ष है जहां पर जल्दी करने की जरूरत है, वो है केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट। हाँ वो चीज जो है। अच्छा, तो केंद्रीय विद्यालय ने भी हाल में कोई लेटर जारी किया है क्या गेट वाले नहीं, इधर ऐसा कोई लेटर नहीं जारी किया। हाँ कुछ लोगों ने जो है आरटीआई लगाया था, तो आरटीआई में तो कोई कुछ भी पूछेगा, कोई जरूरी थोड़े सही सही बताया जाए। नहीं, सही बात है भाई, वो तो मान लीजिए हम अभी घुमा के बता अभी रहे आपसे हैं, कोई मिल जाए कहीं रास्ते में पूछे कि भैया आपके जेब में कितना पैसा है, तो आप उसको क्या सही सही हर चीज बता देंगे कि हम जेब में क्या रखे नहीं हैं। बता देंगे भाई, अगर आप जो है कहीं से आ रहे हैं एटीएम से पैसा निकाल के आ रहे हैं 1 लाख रुपया, तो उसको कहेंगे कि हम 1 लाख रुपया हम लेके चल रहे हैं, सही बात उसे कह देंगे 100 200 रुपया खाली पड़ा हुआ है, तो वो है, तो वो आरटीआई वालों को, वो तो हम उस वैल्यू उसको नहीं दिए, बस उसी कोई का मतलब चल रहा है। नहीं है उसका, तो कोई मतलब, हाँ ये है डीएलएड वीटीसी वाले प्रसन्न बहुत, एकदम प्रसन्न हो रहे हैं, यहां से भगा दूंगा, वहां से भगा दूंगा, ये कर दूंगा, मतलब खंड डालूंगा पूरा देखिए जी मैदान में आप देखे होंगे फिल्मों में या कहीं भी, सामने जी पहलवान रहता है और हीरो हीरो जो है पतला दुबला, उसको कुदा दिया जाता है, हाँ सही बात तो वो सामने पहलवान, अब उसको लड़ना है तो झूठे पहलवान को जो है सामने उछल कूद करता है, उसको डराने की कोशिश करता है। सही बात है जी और कुछ लोग हैं खिसियाई बिल्ली वाला है, हाँ जैसे 69,000 से बीएड बाहर करवाएंगे, शिक्षा मित्र वगैरह कोर्ट जा गए हैं, अरे या अगर उनहत्तर हजार से तुम्हारे कहने से नहीं होना चाहे, अगर मान लीजिए बीएड को निगलेक्ट करना ही है तो फिर एनईपी आपकी जो है खत्म हो गई, कोई मतलब है नहीं उसका, अगर जो है राज्य सरकार को यूपी सरकार को बीएड को अगर निकालना ही होगा, जी तो वो अब तक निकाल दी होती, नोटिस जारी कर दी होती, कब जो तक भी करेंगे तनाव भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम जो है फॉलो करें, स्टिच करके और भाई तो रहमत आ कोर्ट जाएंगे अगर नहीं भी जाएगा कोई, तो ऐसा जी थोड़ा है कि 11 अगस्त के जजमेंट को यूपी सरकार इंग्लैंड कर देगी, जी एकदम नहीं, उनको उनको तो पालन बिल्कुल करना पड़ेगा जब एनसीटी कहेगी तो। एनसीटी लेकिन अभी हाँ कही नहीं रही है कुछ, तो ये भी जी शांत बैठे हुए हैं, क्यों हम निकालने जी जाए किसी को, सही बात यही इंतजार बिहार सरकार भी कर रही है, बिहार सरकार समझ रही है कि क्या स्थितियां बन रही हैं, इसलिए वो टाल दिए एक्चुअली, हाँ रिजल्ट। मामला इसलिए डिले कर रहे हैं, बहुत फास्ट काम कर रहे थे वो तो कुल मिलाकर के जो चीज होना है वो तो तय है, बीएड जी फिर से शामिल होना है, उसमें इफ बट है ही नहीं कहीं,
नहीं, वो तो सही है, वो होना है, पुराने मैटर भी सॉर्ट आउट होने हैं। वो सब होना फिक्स है, कुछ भी नहीं बदला है। बस हम लोग थोड़ा सा एक उम्मीद कर रहे थे कि ये सत्र बैठा है तो ये सत्र निकल गया महिला आरक्षण, लोग उम्मीद मत कर रहे थे कि सत्र में हो सकता है जल्दी जो है कर दें, तो ये आरक्षण बिल में निकल गया पूरा सत्र, जी पुराने से नए संसद में जाने का कार्यक्रम। हाँ, तो उसी में डिस्टर्ब है, अभिवादन प्रस्ताव जो है चला जो है, फिर यादें पुरानी, फिर नए में जाना, 2 दिन तो मंदिर कोई मतलब है नहीं था उसे। जी तो चलिए, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, जो जैसे था एजिटिज है, पॉजिटिव ही है सब कुछ, और हाँ, होना ही होना है। इसलिए कि जो फिल्म मेकर है उसने फिल्म बनाने से पहले पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर दी तैयार है। है। हाँ हाँ, बस जो है, हाँ, भले सस्पेंस हमको आपको दिखाया जा रहा है कि ऐसा नहीं, ऐसा हो रहा है, जो होना है पूर्ण निर्धारित। हीरो को अगर नहीं मरना है तो हीरो को 10 गोली भी लगेगी तब भी हाँ, हीरो लाइफ में नहीं जाएंगे कुछ जाएगा, नहीं होगा, और अगर विलन को मरना है तो जो है 1 गोली लगेगी, विलन मर जाएगा। सही कह रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं तभी तय हो जाता है। तो जब तय है तो फिर जो है कुछ भी नहीं होना है, जो प्लानिंग में है वही होना है, और बाकी लोग वो अपना उछल कूद करते रहे। तो करने वाले कह रहे हैं, वो तो जो है वो क्षण दुष्टा क्षण तिष्ठा वाला भाव है, जैसे हवा का रुख देखते हैं उस हिसाब से लोग, कुछ लोग चलते हैं। थोड़ा सा इसलिए क्या पढ़ेंगे मैं देखता हूँ, मैक्सिमम। करीब 40% लोगों की ये दशा है कि जैसे हवा का रुख देखेंगे उस हिसाब से जो है बातें अरे करेंगे। आप 40 कह रहे हैं, हम तो कहते हैं 90% से ज्यादा, क्योंकि जी तो हम देखते हैं ना कि जो है जो लोग विरोधी हैं डीएलएड यानी या किसी का भी कोई विरोध करता है तो चले वो हाँ, विरोधी हैं, वो तो रहेंगे ही, वो तो वही है। हाँ, लेकिन जो है ये लोग भी जिनके मैटर से जिनसे जुड़ा हुआ मैटर है वो भी जो है एकदम एकदम जरा सा बुद्धि नहीं रखते हैं। ठीक है भाई, संसद सत्र बैठा था इसलिए उम्मीद की जा रही थी। जी, अब संसद सत्र जो है एक बिल पास हुआ, उसमें उसी में समय निकल गया, और ये होता कि सारे बिल पास हो गए होते, 8-10, 7-8 बिल पास हुए होते, और जो है ये वाला इस मैटर पे चर्चा, इस बट कोई चर्चा भी ना हुई होती, तब ये होता कि भाई हो सकता है इनके दिमाग में कुछ है। लेकिन जब एक ही बिल, और एक ही बिल के लिए उन्होंने स्पेशल सेशन नहीं बुलाया था, है कुछ ना कुछ उनके मामले में, उन्होंने एकाएक मतलब मेन टाइम पे उन्होंने अपने जो है स्ट्रेटजी में बदलाव कर दिया कि नहीं ऐसा करो, इसको थोड़ा सा जो लेंगे आराम कर। और 5 दिन के लिए, 6वें दिन से 23 सितंबर से फिर लग गए वो, देखिए कहाँ कहाँ जा करके। अटल आवासी वाला तो आज आज 23 है ना, हाँ, आज 23 ही है, तो आज ही तो होना था शायद अटल आवासी वो वाला। आज अटल आवासी वाला हुआ, आज आपके यहाँ जो है क्या नाम है, क्रिकेट स्टेडियम का जो है शिलान्यास वाला सब कार्यक्रम जो है चालू हो गया। अच्छा, हमें तो मोदी आज अच्छा बनारस ही थे ना, तो अटल आवासी का उनकी हमें याद कैबिनेट था। बनारस अच्छा, तो आगे थी। कार्यक्रम रहे इसलिए संसद सत्र जो है दिन समय बढ़ाया नहीं, जी, सही बात है। और लोग पढ़ते नहीं है लिखा क्या है, संसद सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ, समाप्त हुआ संसद नहीं प्रयोग किया जाता है, शब्द कभी नहीं तो होता है। कभी भी आके बैठ सकते, कभी बैठाई जा सकती है इसमें। जैसे विद्यालय में बच्चों का एग्जाम हो जाता है, परीक्षा हो गई, उनको रिजल्ट दे दिया गया, और फिर गर्मी की छुट्टियां या जो भी छुट्टियां होती हैं तो विद्यालय बंद, लोग भले बोलते हैं लेकिन क्या विद्यालय बंद हो गया, नहीं, जी, वो नेक्स्ट सत्र में फिर स्टार्ट होगा, ये सत्र जो है समाप्त हुआ। ये कह दिया जाता है कि नेक्स्ट टाइम तक जो है आपका शिक्षण काल जो है स्थगित किया जाता है, फिर आगे जो है ये हाँ, चीज बताओ। तो जहां भी जो है न्यूज में आया, यहाँ भी अनिश्चित काल के लिए सत्र स्थगित, चाहे वो शीतकालीन हो, चाहे बजट सत्र हो, या पूर्ण सत्र बैठता है, कभी बैठता है, तो अंतिम में यही होता है अनिश्चित काल के लिए। तो अनिश्चित काल उसमें बोला जाता है, ये नहीं कहा जाता है कि शीतकाल तक के लिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अभी भी आप पढ़े होंगे तो अनिश्चित काल, क्योंकि अगला सत्र तो बीच में आ सकता है, संभावनाएं पूरी है। टाइम किसी परिस्थिति में जो कभी बुला सकते हैं, कल कहते हैं कि नहीं भाई परसों से चलेगा। अभी जो भी उनके कार्यक्रम है इधर लगातार वो कर लें, फिर से बुला जी लें, कुछ भी हो सकता है। और नहीं भी बुलाते हैं, नहीं भी जी संसद सत्र आता है, तो आवश्यक जी कार्य के लिए अध्यादेश बना हुआ है। वो चीज है। और दूसरी बात, ये इसका वेट भी शीतकालीन सत्र का वेट इसलिए नहीं करेंगे कि तब तक तो फिर चुनाव का माहौल आ जाएगा भाई, इनको तो अभी प्रचार भी करके तो उसको मामले को जो है सुनाना भी तो है। कुल मिला के 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, ज्यादा से ज्यादा, हम 1.5 महीना से ज्यादा जी मनी मान रहे हैं। जी तो जो नेगेटिव लोग हैं उनको लग रहा होगा फालतू चीजें कि नहीं होगा, या पता नहीं कब होगा, होगा नहीं पता सही नहीं। बात है। तो हम लोगों को तो सारी चीजें समझ रहे हैं कि होनी ही है जो चीजें, जी, सही बात है, बस तो केवल हम लोग थोड़ा सा सोच पैदा किया जा तो रहा है। हाँ, हम लोग जब जान रहे होनी ही है, तय है, तो संसद सत्र बैठा 5 दिन, एक बिल पास हुआ और अन्य नहीं हो पाए, तो हम लोग पॉजिटिव हैं कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, बाद में हो हाँ, जाएगा। सही बात। तो खैर, नेगेटिव लोगों को कितना समझाया जाए,
अपने तरफ से तो प्रयास करते हैं समझाने का, यूट्यूब वगैरह पे डाल देते अरे हैं। आप तो मान लीजिए बहुत जो है एक जो समझदार आदमी है उस बतिया को समझता है, हर चीज पकड़ता है आपकी बतिया को, और जब आपकी बतिया को सुनने के बाद जब आंख ही बंद करके जो है तारतम्य में जब मिलाता है पूरी कहानी, तो उसको समझ में आती है कि कुछ ना कुछ कहानी है इसमें लोचा, इसलिए ऐसा हुआ है। और जो हाँ एक चीज है ना कि देखिए, जी लोगों ने पढ़ाई किया, डिग्री लिया, सही बात है, लेकिन जो पढ़ाई होनी चाहिए थी शिक्षा का मेन उद्देश्य गायब है। हकीकत ये वो कही है कि आज 95% जो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो खत्म है। तो अभी आज शिक्षा एग्जाम पास कर लेना, नौकरी प्राप्त कर लेना, जितने भी लोग संविधान पढ़े हैं, पॉलिटिकल पढ़े हैं, वो सब रटे उनमें बसे हैं। उनमें भी 50-60% ऐसे होंगे उनको पता ही नहीं है कि बिल होगा कि अध्यादेश होगा, संसद में बैठेगा क्या होगा। आपने पूछा बिल और अध्यादेश के मैटर पे आपने बात की, भैया बिल कब आता है और अध्यादेश किन परिस्थितियों में आता है, तो वो भी यही जो है बल्कि योग्य आदमी है जिससे बात कर रहे थे, वो भी माने जानकार था, लेकिन अब यही कंफ्यूज है कि आखिर बिल आएगा कि अध्यादेश आएगा, अच्छा संसद सदन बैठती कब है, किन परिस्थितियों में बैठाया जा सकता तो वही सारी चीजें लोग जो नहीं जानते हैं तो वो बड़े है। कंफ्यूज रहते हैं कि भैया वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, यहाँ वो लिख रहा है, वो चैनल वाला ये बता रहा है, ऐसे बता रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई वो तो अगर उतनी जानकारी उसको होती क्या वो जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी थोड़ी है कि नहीं जो है उससे सारी जो है जानकारी है, अरे वो तो केवल दिमाग लगा करके जो इस चीज को कर रहा है कि एज इट इज ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, सही बात। चलिए, लोग धीरे धीरे समझेंगे, हाँ डिग्री लिए हैं, पढ़ाई नहीं किए हैं तो समय तो लगेगा समझने में ना। हाँ वो हम बता दें जो थे जिनका हम बता दें, करुणेश मिश्रा, हाँ जान रहे हैं, ना जी, जान रहे हैं, वो हमारे ग्रुप में है, कभी कभी उल्टा सीधा भी कमेंट करते हैं, लेकिन हैं वो, लगातार जो है जी, हम तो देख अपडेट देते रहे हैं रहते कि हैं। आती के मैटरवा को फिर 3-4 अभी 1 महीना 15 दिन में यूट्यूबर नए नए पैदा हुए हैं, 4-5 हाँ, इनका चैनल हम भी देखे हैं, कोडेश मिश्रा का। जी, और 4-5 लोग ऐसे हैं जो आपकी बतियों को घुमा फिरा करके जो है पकड़ते रहते हैं, वही चीजें जो है वो भी अब डालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर पॉजिटिव बातें कर रहे हैं तो अच्छी अच्छी बातों बात का है। अगर आप विचार प्रसार करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ देखिए उपयोग देखिए स्वस्थ कीजिए, और जो कमियां हैं उसे हम स्वीकार करें, और जो अच्छा नहीं है उनके साथ हम जो है डट के जो है खड़े रहेंगे, भाई ये चीज इसके अंदर बंदे के अंदर ये बिल्कुल चीज बिल्कुल, हम कह रहे थे संसद सत्र में होने की पूरी संभावना है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो उसके पीछे हम लोग एक लाइन में थोड़े कहेंगे नहीं हुआ, उसके पीछे जो कारण है उस पर चर्चा हम कर क्या रहे हैं कारण है, क्या कि परिस्थितियां हैं, क्या क्यों नहीं हुआ, क्यों डिले हुआ, ये चीज, और उसके बाद जो है ये थोड़ी है कि क्या संसद सत्र या ये चीजों के कारण ही जो ऐसा नहीं होगा, जो होना है वो तो पूर्व निर्धारित है उनको करके उसको चलिए, खेलना है समस्या। तब भी पहले से आज से जो है कुछ सालों पहले जो कंडीशन थी, और अब में थोड़ा परिवर्तन आया है, लोग थोड़ा ज्यादा नहीं, कुछ लोग जो है जागरूक हुए हैं, समझदार हुए हैं, भले ही 50-100-500 हजार लोगों को ही जो है समझ में आ रही हो बातें, लेकिन कुछ तो लोगों को आ रही है समझ में ना, तो उतना ही काफी है मेरे लिए। ये है चींटी के वो चिड़िया की तरह, अगर हमारे प्रयास से एक व्यक्ति भी अगर सही रास्ते पे जाता है अवसादग्रस्त होने से बचता है तो मेरा उद्देश्य सफल, बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सी बात। चलिए तो फिर इंतजार किया जाए, देखा जाए गवर्नमेंट आगे स्टेप क्या ले रही है। वैसे एनसीटी तो हाँ एकदम फ्रंट पर आके खेल रही है, हाँ वो तो खेल रही हो तो और बड़ी अच्छी नहीं, अच्छा उसी के जो है लेटरवा को उसी के जो थोड़ा सा क्लू को ये जो है अन्य यूट्यूबर जो है ये भी जो है डीएलएड वाले हैं या बीटीसी वाले हैं उसको घुमा के जो है पकड़ेंगे कि जो है निगेटिविटी फैलाने में कोई कसर नहीं उन्होंने छोड़ी। आया मेरे भी पास आया, तो हम उसको खोल करके पढ़े पूरे लेटर को, कुछ जी, भी नहीं है, बस वो 11 अगस्त के जजमेंट का जो है बस एक तरह से सूचना दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, हाँ, सही बात तो अभी भी वो अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे बात अच्छा केंद्रीय जो है फाफड़ा फंसा अभी तक कहना होगा एनसीटी अपना पल्ला जो कुछ ना करना होता तो स्पष्ट कह देती कि भाई देखिए ऐसा है ऐसा होने चल रहा, छोड़ो इनको हम उठा आपको, अब आपको इस करके लेटर का मतलब जो हम निकाले हैं वो बता दे, और कंफर्म है यही है, जी जिस लेटर का मतलब हुआ कि जैसे बिहार है या अन्य कोई राज्य हैं जिनको उछलना है उनकी बात छोड़ देते हैं, लेकिन जहां पर बीएड वालों को वो करना चाहते हैं, जी तो अब इस लेटर को जब वो एनसीटी ने जारी किया है तो उनको जो है एनसीटी को लेटर लिखना होगा कि भैया हमको बीएड के लिए जो है छूट दीजिए, राज्य छूट मांगेंगे तभी तो एनसीटी आगे कुछ कर सकती है, हम इशारा क्यों करेंगे भाई मांग लो तो हम इसको मान रहे हैं कि जी सरकार ने 29 अगस्त को मीटिंग करके अपनी तरफ से रिक्वेस्ट किया होगा,
जी और बीजेपी शासित राज्य रिक्वेस्ट किए होंगे, जी तो एनसीटी चाहती होगी, केंद्र सरकार चाहती होगी कि और भी कुछ जो है गैर बीजेपी शासित राज्यों से जो है रिक्वेस्ट आ जाए, हाँ सही बात तो एनसीटी की तरफ से वही एक लेटर जारी करवा दिए कि आप इन लोगों को सूचित कीजिए। हाँ सही बात है, काम तो अंदर, समझ काम तो अंदर चल रहा है। देखिए उस जजमेंट में क्या कहा गया है कि जी प्रक्रिया जो थी वो ये था कि राज्यों से निवेदन आना चाहिए था, उन जी निवेदन पर वो फिर विचार करके केंद्र नहीं था आपको सरकार के आदेश पर एनसीटी को एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बना करके फिर एक कमेटी की राय से तब गजट जारी करना चाहिए। बस यही कमी पाई है। तो उसमें दो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया लेकिन रद्द किया एक पॉइंट पर। दो पॉइंट जी क्या दिखाया कि रिक्वेस्ट राज्य से नहीं आया, केंद्रीय विद्यालय से आया, हाँ लेकिन उसको उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया। चलो कहीं से तो आया था ना, तो ये पॉइंट कंप्लीट होता है, हम इसको मान लेते हैं, इस पर उन्होंने जी फोकस नहीं किया। जी हाँ लेकिन जो एक्सपर्ट कमेटी वाला था वहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं, तो हाँ उस पॉइंट को आधार बनाया। तो वो जी बजट जिन आधारों पर रद्द हुआ, जी अब जो है केंद्र सरकार उन सारे पॉइंट को कंप्लीट कर रही है, राज्यों से रिक्वेस्ट मंगा ले रही है, फिर सही बात मंगवा करके केंद्र सरकार के पास जब आएगा तो वो एनसीटी को कहेंगे। जी अब एनसीटी फिर से कमेटी बनाएगी, एक्सपर्ट जी कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी इस पर जो है अपना विचार देगी और फिर जी नया बजट आ जाएगा। अब ये हो जाएगा तो जी ये रास्ता तो अभी भी खुला है। रिक्वेस्ट की और हमने एक्सपर्ट कमेटी के लिए जो है एडवाइस भी ले करके जो है मंथन करके हमने तो अब जो है ना अध्यादेश की जरूरत ना बिल की सही जरूरत। बात, ये भी सही, ये भी तो बिल्कुल सही है भाई। जिन बिंदुओं पे आपने मेरा गलत किया उसी बिंदु पे हमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया। और जब ये पास होगा तो फिर विचार होगा कि भाई 18 में किया गया था, इस तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश से वो रद्द हो गया, चूंकि बहुत सारी भर्तियां हो चुकी हैं, तो हो जी सकता है कि पीछे वालों को जो है कह दे कि इनको जो है एजीटी जो है हम छूट देते हैं और ये जो हम आज से ये चीज कर रहे हैं इसको हम इसी तारीख से मानेंगे। सही बात, तो रास्ते तो सारे खुले, हम तो बार बार कह रहे हैं कि या तो एनसीटी कर देगी या और इस एनसीटी। चीज को अभी हम देख रहे थे कि ये कोई यूट्यूबर उस पे जो है सुबह मॉर्निंग देख रहे थे, उसने विधानसभा सेशन का लगाया है जो है शायद प्रकाश जावड़ेकर नहीं थे, वेंकैया नायडू, एन वेंकैया नायडू का जो है था कि जो गजट जो है रद्द हुआ है इस पे जो कमियां रह गई उस होमवर्क को हम सुधार रहे हैं। तो वो तो हम लगातार बता रहे हैं, कमी रह गई है सिर्फ एक, और कमी हाँ जब भी रह जाती है, खाना में अगर 10 लोग का खाना बना है, अगर नमक भूल जी गए तो खाना जी फेंक तो देंगे नहीं, ना नमक ही तो रह सही गया, ठीक है भाई थोड़ा सा ऊपर डाल दे रहा, मैनेज कर लिया जाएगा। बात है या अगर बिल्कुल खाना बना रहे थे, सबको खाना था, खाना जल गया, अभी थोड़े ना क्या जान दो अब नहीं बनेगा, सब भूखे रहो, फिर नहीं सही बात, से पकेगा खाना, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो कई हम रास्ते हैं। उसी को जो दिखा रहा था कि इस पे जो कुछ कमियां हैं उस पे हम सुधार करके जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो हम चूंकि अध्यादेश की बात चल रही थी, हर कोई अध्यादेश कर रहा था, तो अध्यादेश पर हम भी शुरू किए बातचीत की, अध्यादेश बिल। वैसे देखा जाए तो इस मैटर में अध्यादेश या बिल बिल्कुल इतना बड़ा जरूरत मैटर नहीं है है ही कि नहीं। एनसीटी को सर्वोपरि पूरा पावर दे दिया गया, एनसीटी जो है रिक्वेस्ट जो है मंगवा ले, मंगवा करके जो है एक्सपर्ट हाँ कमेटी का जो है लीगल जो ओपिनियन लेकर के जो अपना जो है ये सबमिट कर इतना दिया। बड़ा मैटर है ही नहीं, एनसीटी खुद जो है इतना पावर रखती है, इसको हैंडल कर लेगी। हाँ हैंडल करने के लिए सही बात, तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस ये कि अपने अपनी राय जो लोग जो है दे रहे हैं, अब जी पॉजिटिव दे रहा है, ज्यादातर लोग नेगेटिव दे रहे हैं, तरह तरह की बड़ी जी बड़ी बातें हो रही हैं, चूंकि अचानक से ये चीजें हुई हैं, तो जी है थोड़ा सा मुद्दा गर्म, चलिए होना भी चाहिए, थोड़ा चलना चाहिए जी गर्म ठंडा। सही बात है, ये तो हमें पूरी नीति उम्मीद है कि न बिल की जरूरत पड़ेगी ना अध्यादेश की। ये जो जी राज्यों को एनसीटी ने लेटर भेजा है, ये इसका ही मतलब हुआ कि और भी राज्य जहां पर जो जिनको दिक्कत हो रही हो तो वो जी रिक्वेस्ट कर देंगे, तो जो उत्तर ये बीजेपी शासित राज्य हैं वो तो कर ही रहे हैं, तो और कुछ राज्यों से मंगा लेंगे तो पॉइंट और स्ट्रांग हो जाएगा कि इतने राज्यों से आया था, केंद्रीय विद्यालय से भी आया था, तो सारा दिखा करके फिर से वही कमेटी वमेटी बना करके मीटिंग जी करके बढ़ जाएंगे आगे। सही बात अब फिर जिसको जाना हो कोर्ट जाओ, अब आपकी बार कहाँ खोजेगी कोर्ट कमी, सही बात कोर्ट ने ये तो लिखा नहीं है कि आप दूसरा गजट नहीं जारी कर सकते, सही ऐसा बात, कुछ तो लिखा ही नहीं है कि आप दूसरा गजट नहीं जारी कर सकते, आप ये बिल के लिए नहीं बात कंसीडर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कोर्ट ने। सही बात तो बस कुछ भी नेगेटिव नहीं है, बस ये है कि इतना नेगेटिविटी फैला दिया गया है ना। हाँ ये फैला दिया गया। दूसरी बात जो भी करना है सरकार जो है बस 1-1.5 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर करके जो है मामले को जो है पटापेच करके जो है उसका जो भुनाने की कोशिश करेगी। बस
जो भी है महीना डेढ़ महीना ये सब क्लियर हो जाएगा। जितना हो हल्ला है ना, ये जितना उछल कूद कर रहे हैं वो सब फालतू। अक्टूबर नवंबर बस 2 माह। अब चाहे 15 दिन ले, 1 महीना ले, डेढ़ महीना ले, जो भी है इधर ही सब दिसंबर तक जो इनको फटाफट आगे बढ़ना है भाई। जो देखिए आचार संहिता लगने से पहले इनको जो है प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, विज्ञापन वगैरह जारी कर देना, घोषणा कर देना है। जब जो सही। पहले से शुरू हो जाती है तो फिर आचार हाँ संहिता लग जाए ना, चलता रहेगा उसमें काम। हाँ वो तो मान नहीं चलता रहेगा उसका जो है, बल्कि उसका पॉजिटिव मिल जाएगा फिर, कि मामला बीच में जो है रहेगा तो काम होते हुए भी जो आगे करके निकलते तो जाएगा। वो तो आचार संहिता में नई चीज नहीं होती है, लेकिन जो चीज घोषणा हो चुकी है, जो चीज चल रही है, वो उसी थोड़े है। तो चलिए बल्कि मेरा अपना जो है आईक्यू कहता है कि जो है इस चीज को आचार संहिता में भी नहीं फंसाएंगे, ये चीज चूंकि लंबा मैटर है, इसको जो फाइनल करके जो है इसको जो है बुलाते हुए निकलेंगे, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही बुलाते करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो भी आचार संहिता से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शुरुआत पहले कर देंगे। हुए। वो तो पुराना मैटर, उससे कोई फर्क पड़ने वाला चलिए तो पॉजिटिव रहा जाए, कुछ नेगेटिव है ही नहीं है। जी। तो ज्वाइनिंग के लिए बस तैयार तैयार रहा जाए। ज्वाइनिंग की तैयारी 2 4 6 महीना जो भी है फाइनल नियुक्ति पत्र हाथ में आने में, में सही बात है। बस वही है। चलिए ठीक है, चलिए रात काफी हो ठीक गई है, रखते हैं, फिर बात होगी बाद में। ठीक, है, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम।